ये सच है कि सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो दर्श देने के अलावा हमारी रूह पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। सफ़र मदीना, मशहद, नजफ, करबला, काजमैन, सामरा, दमिश्क, ऐसे ही सफ़र। इनमें से कुछ को फिल्म बंद किया जा सकता है और कुछ को नहीं। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको कुछ शहरों में अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैंने वहां देखा वो आपको भी दिखाऊंगा, और जो मैंने वहां महसूस किया इसका एहसास तो इस वीडियो के ज़रिए पूरी तरह से मुमकिन तो नहीं, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी इस अजीम एहसास का कुछ हिस्सा आप तक पहुंच जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चलेंगे नजफ से करबला तक, वो भी पैदल, इन करोड़ों जायरीन के हमरा जो इस सफ़र को हर साल अरबाइन पर तय करते हैं। ये कोई मामूली सफ़र नहीं, बल्कि ये लोग भी कोई मामूली नहीं हो सकते जो सफ़र पर जाने की सआदत हासिल करते हैं। इसलिए तो इन खास मुसाफरों के लिए इतने लोग हर वक़्त हाजिर हिदमत रहते हैं। ये मुसाफर ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और ये सफ़र सफ़र अरबाइन है, जिसमें ज़ायरीन नजफ से करबला तक पैदल चलते हैं। सफ़र लंबा ज़रूर है, लेकिन इस सफ़र पर मुश्किल का ज़रा भी एहसास नहीं होता। अरबाइन के मौका पर 2 करोड़ से ज़ायद इराक आते हैं। चंद साल कबल इन ज़ायरीन के लिए वीज़ा लेना भी ज़रूरी नहीं था, इनको एयरपोर्ट पर ही वीज़ा दे दिया जाता था। आम तौर पर एक ही वक़्त में इतने लोगों के सफ़र का इंतज़ाम करना नामुमकिन है, लेकिन ये मामूली लोग नहीं, ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं।